नमस्कार दोस्तों, कैसे सब आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ 5 साल पुराना वीडियो, जिस वीडियो में हमने अपने दोस्तों के साथ अपने होम टाउन मुक्तेश्वर बर्फ की वादियों में काफी इंजॉय किया हुआ है। तो देखते रहिए, बिना स्किप करिए। आशा करते हैं पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखेंगे। दोस्तों, घर के सामने वाले पहाड़ी में चढ़ते हुए ये पानी की प्यास बुझाते हुए मेरे दोस्त, और ये है अनिल धपोला जो कि हल्द्वानी से आया है। तो दिखाते हैं आपके आगे का नज़ारा। ये है तारू जो कि पानी पी के आ गए, ये है माहू जो कि पानी पी रहे हैं, इसके बाद मैं पीऊँगा। तो दोस्तों, इस जगह का नाम हमारे यहाँ बोलते हैं डिक्की का गधेरा। तो यहाँ पे हमें 12 मास पानी मिल जाता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो तो यहाँ पानी इसी तरह आता रहता है। यह है शुद्ध स्रोतों का पानी, देखिए आप पूरा का पूरा नज़ारा। तो ये स्रोतों से और इस जंगल से आता है पानी। तो इस जंगल की चोटी में एक मंदिर भी है श्री थकुड़ महाराज जी का, तो हमें उस चोटी में भी जाना है। वहाँ काफ़ी बर्फ गिरी है, वहाँ भी जाएंगे हम। ये हैं तारू, काफ़ी इंजॉय लेते हुए इस सफ़र का। तो ये पूरा का पूरा घना जंगल है इस एरिया में। ये है धपोला और ये माहू काफ़ी टाइम से पानी पी रहे हैं, काफ़ी प्यास लगी है माहू को, काफ़ी चढ़ाई में चढ़ के आए हैं हम यहाँ तक। सब लोग प्यास बुझा रहे हैं, इसके बाद धपोला पिएगा, इसके बाद मैं पीऊँगा, फिर उसके बाद आगे बर्फ़ की वादियों का नज़ारा आपको दिखाएंगे, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए बर्फ़ के पास, क्योंकि और एरिया में काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो इस एरिया में बर्फ़ थी, तो हम हल्द्वानी से आए थे, अनिल धपोला को बर्फ़ दिखानी थी तो दिखा दी। तो इससे आगे और भी बर्फ़ गिरी होगी। तो यहाँ पर तारू फोटो शूट करते हुए माहू की, ये माहू पोज दे रहे हैं फोटो के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा। तो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया नज़ारा था यहाँ का। माहू कह रहे कि बार बार हम मेरी फ़ोटो खींचो। तो हमारे कैमरामैन तारू भाई फ़ोटो खींच रहे हैं हमारी, माहू और मेरी, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा। आगे का नज़ारा और भी बढ़िया होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ डाल रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग, देखिए आप। ये माहू पे भी डाली जा रही है बर्फ़, और ये तारू पे भी डाली जा रही है। धपोला काफ़ी एंजॉय लेता हुआ इस नज़ारे का। दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा, बढ़ते हैं आगे को। आगे से माहू जा रहा है, देखिए आप, वो माहू आगे निकल गया, हम भी निकलते हैं पीछे पीछे। पूरा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, देखिए पूरा नीचे तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है। यहाँ पर अनिल धपोला तो काफ़ी इंजॉय ले रहा है, यहाँ पर बर्फ़ में अपना नाम भी लिख रहा है वो, इतनी बर्फ़ है, देखिए लगभग 6 इंच बर्फ़ है यहाँ पर। अनिल लिख दिया धपोला ने, यहाँ पर अनिल लिख के फोटो खींच रहा है। ये देखिए काफ़ी इंजॉय करते हुए हम सब लोग यहाँ पे, देखिए मैं लेट गया बर्फ़ में, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। ये देखिए धपोला अपने सर पर बर्फ़ रख के काफ़ी इंजॉय कर रहा है। उधर सामने माहू के ऊपर बर्फ़ डाली जा रही है, और ये धपोला के ऊपर भी डाली जाएगी। ये देखिए काफ़ी बर्फ़ से खेल रहे हैं हम लोग, धपोला सेल्फी ले रहा है और उसके बाद मेरे ऊपर बर्फ़ डाल रहा है काफ़ी इंजॉय करते हुए हम सब लोग। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है, काफ़ी ढेर सारी मात्रा में बर्फ़ ही बर्फ़ है इस जंगल में, लगभग 6-7 इंच बर्फ़ है अभी भी। ये देखिए पूरे पांव धंस चुके हैं बर्फ़ में। तो अब बढ़ते हैं आगे को। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस चोटी में, इस जंगल की चोटी में। देखिए तारू काफ़ी इंजॉय लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चल चल ऊपर चल उनके साथ चल, वो फिर आते वक्त लेंगे। भाई अभी आवाज वॉल्यूम कम करना इसकी।
अब ये बंद कैसे हुआ भाई? इधर दे बोलो। दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ से थोकुर टेंपल पे। हमारे पास एक एफएम रेडियो है जिसमें पेन ड्राइव भी लगती है, तो उसमें काफ़ी इंजॉय लेते हुए हम जा रहे हैं सुनते सुनते। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे ऊपर काफ़ी इंजॉय करते हुए। हेलो दोस्तों, जो महुआ तारों से आगे जा रहे हैं वो कुमावड़ी रेडियो स्टेशन के श्री मोहन कार्की जी हैं और उनके स्टाफ के हैं साथ में उनके, तो वो भी यहाँ बर्फ़वादी का नज़ारा देखने आए हुए हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने भी और हमने भी इस वादी का। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है इस जगह का। तो ये जगह काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, देखिए आप भी पीछे माहो और तारो एफएम में गाने लगाते हुए इन्जॉय करते हुए आ रहे हैं। और लास्ट हमारा अनिल धपोला, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा था उस दिन का, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। देखिए आप पूरा का पूरा नज़ारा। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे को। ये देखिए जो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है, यहाँ काफ़ी बर्फ़ है और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। ये देखिए काफ़ी बर्फ़ ही बर्फ़, ये सामने का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह से बर्फ़ गिरी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है, देखिए माहू लोगों का फ़ोटो शूट होने लग गया। अनिल धपोला भी सेल्फी खींच रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा था। देखिए माहू की फ़ोटो खींची जा रही है, तारू खींच रहा है, कैमरामैन हमारा तारू। स्मार्ट होके क्या करेगा। तो जो सामने का नज़ारा है जहाँ बर्फ़ दिख रही है वो हमारे घर के सामने की रोड दिख रहा है। अपोजिट साइड हमारा घर है। ये तारू काफ़ी इंजॉय कर रहा है। सामने वाली पहाड़ी से आए थे हम, थकुर देवता टेंपल है। यहाँ से हम आ गए इस तरफ की पहाड़ी में, यहाँ से हम जाएंगे रडार टावर के पास। तो सबसे आगे माहू जा रहे हैं, उसके बाद तारू, उसके बाद धपोला, लास्ट में मैं जा रहा हूँ। वो देख धाना चली, देख धपोला समझ दिख रहा है। ये मेरे तीन फ्रेंड बर्फ की वादियों का नज़ारा। या 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 आनंद लेते हुए बर्फबारी का। दोस्तों सामने हम पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल पे। देखिए जो रडार की बात कर रहा था मैं, वहां हम पहुंचने वाले हैं। देखिए यहां भी काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है। नीचे का नज़ारा देखिए आप, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ गिरा हुआ है नीचे। आगे देखिए सामने जो टावर है, इसी टावर की बात कर रहा था, इसको हम रडार कहते हैं। ये जब मोबाइल फ़ोन चले नहीं थे तब उससे भी पहले का रडार माना जाता है। काफ़ी हाइट है इसकी। सामने का नज़ारा कुछ यूँ है यहाँ से, ज़बरदस्त ज़बरदस्त नज़ारा। तो हम चलते हैं वहाँ पे। देखिए आप पूरा का पूरा नज़ारा, काफ़ी पुराना टावर माना जाता है ये। देखिए दोस्तों ये है टावर, ये देखिए इतनी बड़ी हाइट है इसकी, काफ़ी पुराना टावर है ये, बहुत बड़ा टावर है।
मोबाइल टावर से भी बड़ा टावर है ये, बहुत ज़बरदस्त टावर। इसको कहते हैं रडार। इसके यहाँ पर एक मंदिर भी है ये बाउंड्री के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे को, दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा नज़ारा। दोस्तों ये जो जगह है इस क्षेत्र में सबसे टॉप जगह है, तभी यहाँ शायद वो रडार बनवाया गया था। तो सामने देखिए धनाजुली का नज़ारा भी दिख रहा था, और जगह से भी कई जगह से टावर नज़र आता है। ये सामने जो चोटी है ये ही है थकुड़ टेम्पल, थकुड़ देवता जी का मंदिर है। यहाँ से हम होके आ गए हैं, तो इस पहाड़ी से होते हुए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। ओए मामा जा, इसके अंदर लाइट जले क्या? हाँ लाइट तो जले, काफी मशीन मशीन है। धबोला काफी रंगीन मूड में यहाँ पे, शायद वो अब डांस करेंगे। ये एक खबराड़ का सीन है हमारा ये। दोस्तों सामने वाली पहाड़ी से सामने अल्मोड़ा भी नजर आ रहा है यहाँ से, देखिए आप पूरा का। सबसे नीचे माहू है, उसके बाद धपोला है, उसके बाद तारू है। अब मैं उतरूंगा, इधर से देखो नजारा। ये तारू कह रहे मेरी वीडियो बनाओ बस। दोस्तों सामने का जो नजारा है वो है थकुर टेंपल का, जहां से हम आ चुके हैं। और इस तरफ हमारा होम टाउन है कापली। कापले के सामने की रोड में अभी भी बर्फ़ है, हमारे इस तरफ को तो पिघल गई। तो इस तरफ सामने का जो नज़ारा है वो मुक्तेश्वर का है, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये है मुक्तेश्वर की चोटी, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे। और इस तरफ है अल्मोड़ा, धुंधला है अभी, थोड़ा कोहरे की वजह से साफ दिख नहीं रहा। ये है अल्मोड़ा का नज़ारा, तो यहाँ से अल्मोड़ा भी नज़र आ रहा है। काफ़ी जगह से ये टावर भी नज़र आता है, रानीखेत से भी आता है। इस छत में काफ़ी बर्फ़ अटकी पड़ी है, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा नीचे का। नीचे पता नहीं माहू क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, पूछते हैं। माहू क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आप? माहू क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आप? और वो अनिल धपोला ऊपर देखते हुए, और वो तारू उतर रहे हैं, और मैं अभी टावर पे ही हूँ। अब मैं शायद उतरूँगा, शायद ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। और उधर का नज़ारा देखिए, एक खपराड़ है, एक खपराड़ का सीन है पूरा। और ये खपराड़ है, इधर खपराड़ की रोड है, काफ़ी बर्फ है इधर आगे। उधर अनिल धपोला ने FM स्टार्ट कर दिया अपना, धपोला को काफी आनंदित दिखते हुए यहाँ पर हम लोग। बॉम्बे में से जाते याद करना लीजिए गोपाल राजू, मतलब राजू याद कर।
दोस्तों टावर से उतर के हम नीचे को जा रहे हैं। अब इस जगह में काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है, देखिए आप पूरा का पूरा नज़ारा देखिए, सामने पूरी बर्फ़ ही बर्फ़, काफ़ी ज़बरदस्त बर्फ गिरी हुई है। इधर जो सामने का नज़ारा है वो खपराड़ का है, यहाँ से खपराड़ काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ से नीचे को निकलते हैं साथ में। और सबसे आगे माहू जा रहा है, पीछे से तारू जा रहा है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पीछे अनिल धपोला है। तो पूरा का पूरा नज़ारा दिखाते हैं, इस टावर से हम उतर के आए अभी। यो है टावर, ओए दो डंडे लो, स्केटिंग करो। मोटा मोटा ले ले, तो बोला एक मोटा मोटा डंडा मेरे लिए भी ले आना यार। अबे डंडा ले आता, वे वे वे। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा रहा उस दिन का, काफ़ी इन्जॉय किया। देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी पड़ी है, फिसलने का खतरा है, तो निकलते हैं यहाँ से नीचे को, आप बने रहिए वीडियो में। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है, काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है, काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है। कभी आप भी आइए इस जगह घूमने, आजकल के दिनों में ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा। मिलते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो बन रही है अब। ओए महू पर को देख, डांस करो। देखिए दोस्तों मेरे तीन के तीन दोस्त डांस करते हुए आ रहे हैं, हीरा समधनी वाला गाना लगा था उस दिन FM में, तो ज़बरदस्त नज़ारा काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। देखिए माहू और तारू और धपोला काफ़ी इन्जॉय करते हुए, तो आगे का नज़ारा भी आपको हम इसी तरह दिखाएंगे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं मेरे तीन के तीन फ्रेंड। तो बढ़ते हैं आगे को, अब यहाँ दोबारा डांस चालू हो गया इनका, ज़बरदस्त तरीके से पहाड़ी गाने लगे हुए हैं, तो देखिए कब ज़बरदस्त नज़ारा। तो बढ़ते हैं आगे को, काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस नज़ारे का, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा, जगह जगह पर डांस डांस ही कर रहे हैं काफ़ी इन्जॉय करते हुए। यहाँ पे मैं फिसल भी गया था एक जगह, देखिए। बढ़ते हैं आगे को, तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखिए आप पूरा का पूरा नज़ारा, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा रहा इस दिन का। वो भाग गए हैं, पीछे से मैं जा रहा हूँ, आगे तारू जा रहा है, उसके पीछे धपोला, उसके पीछे माहू, और लास्ट में वीडियो शूट करते हुए मैं जा रहा हूँ। देखिए रोड में पहुँच चुके हैं हम, यहाँ तक रोड आ चुकी है, ये टावर के जस्ट पास में ही रोड आ चुकी है। सामने का नज़ारा है जो खपराड़ का है, जहाँ एक महीने डेढ़ महीने तक बर्फ़ टिक जाती है, सामने जहाँ पर टावर दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ के दोस्त काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ी गाने लगा रखे हैं FM में, तो काफ़ी इंजॉय करते हुए डांस कर रहे हैं साथ में। अब मैं भी डांस कर रहा हूँ, माहौल वीडियो शूट कर रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा। एक गार्ड रूम है यहाँ पे, तो
देखिए यहाँ पर गार्ड साहब की एंट्री हो गई थी, हमारा इंजॉय चला ही था। देखिए पूरा का पूरा नज़ारा, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा रहा उस दिन का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, साथ ही अपनी राय देते रहना और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए प्रेम उत्तराखंडी।